Yo guys, it's Shamrock Singh. Today I'm gonna be doing unboxing of Oppo F3 after 5 months of its release. It's first ever unboxing on my channel, so please make sure to subscribe and like. So, without time barbaad kiye, kyun na shuru karein? Okay, to ab karte hain ise open yahan se. Peeling sound. Aha, mera camera lag gaya thoda sa. Sorry. Yeah. Okay, so phone आने वाला है बाहर. Okay, थोड़ी light adjust कर लूँ. Sorry, काफी shine आ रही है. Okay, so ये आया phone बाहर. थरा. Okay, तो ये है एक्चुअल फोन. अभी रखते हैं इसको साइड में और बात करते हैं इसके अंदर की एसेसरीज की. तो सबसे पहले जो एसेसरीज में हमें देखने को मिलती है वो है यहाँ पे इसकी ये सबसे पहले बुकलेट्स, जिसमें कि हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलेगी इसकी सिम इजेक्टर टूल. अच्छी क्वालिटी की है बनी हुई, ये भी नॉर्मल क्वालिटी से बेहतर है. उसके बाद इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती हैं इसकी बुकलेट्स और साथ ही में हमें मिलता है फाइनली ओप्पो का पाउच. तो अभी सारे सामान को रखते हैं साइड पर और बात करते हैं इसके अंदर की एसेसरीज की. सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलती है चार्जिंग केबल और उसके बाद देखने को मिलती है हमें यहाँ पे इसके हेडफोन्स हैंड पीस एंड आफ्टर दैट यहाँ पे है इसका एडाप्टर जो कि आई गेस 2 एम्पीयर का 5 वॉट्स में अच्छा चार्जर है, काफ़ी फास्ट चार्जर है. ओके, अब एसएसएस से हट के आते हैं दोबारा फ़ोन पे. एसएसएस को रखते हैं दोबारा इसके बॉक्स में और बात करते हैं इसके फ़ोन की. ओके, तो यहाँ पे फ़ोन से मैं रैप हटाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले. निकल जा, कहाँ से निकलेगा ये, क्या है? ओह अच्छा, तो यहाँ से करेंगे इसे ओपन. Okay, so here's the shiny look of the mobile. तो यहाँ पे नीचे हमें मिलता है चार्जिंग पोर्ट, उसके बाद मिलता है हेडफोन जैक और यहाँ पे स्पीकर के लिए और ये माइक का. उसके बाद यहाँ पे बात कर ली जाए इसके कॉल सेंसर के बाद मिलते हैं हमें यहाँ पे ड्यूल कैमरास. बैक पे मिलता है हमें इसका 16 मेगापिक्सल का बैक कैम और उसके साथ मिलती है फ्लैश लाइट. तो अब करते हैं फोन को ऑन. हो चुके अब हमारा फोन ऑन. तब तक बात कर ली जाए इसके स्पेक्स की, तो इसमें है 4GB रैम एंड 64 GB ऑफ मेमोरी. एंड्रॉयड वर्जन आई गेस इसका 6.0 होगा ये फोन होने के बाद पता चलेगा हमें. तो यहाँ पे मैंने टाइम बचाते हुए फ़ोन को कर लिया सेटअप और फ़ोन को डायरेक्टली ले आया हूँ यहाँ पे इसकी स्क्रीन पे. तो सबसे पहले जंप करते हैं इसकी सेटिंग्स में. यहाँ पे जाते हैं इसके अबाउट में, फ़ोन्स के देखते हैं स्पेसिफिकेशंस. तो स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे अगर आप देखें तो 4GB आपको देखने को मिलेगी रैम. इसके अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन हो रहा है वो है 6.0. इसके अंदर जो रोम है वो है 64 GB और हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 51.5 GB. ऑपरेटिंग सिस्टम से यानी कि इसने काफ़ी मेमोरी ली है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसकी, तो उम्मीद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका अच्छा होगा. तो एंड्रॉयड वर्जन है 6.0. हाँ, तो आईफोन की जो मुझे आदत पड़ी है जिसका स्लाइड वाला ऑप्शन है ना आईफोन के लिए, वो मुझे बहुत पसंद है जो कि इसमें नहीं है. ओके, तो अब इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं. काफ़ी फास्ट है फ़ोन हर चीज़ ओपन करने में. इसलिए 4GB रैम है तो क्यों ना चाहो. ओके, अब ओपन करते हैं इसका कैमरा. एग्री, 16 मेगापिक्सल है और अच्छा है. फ्रंट कैम की तरफ आते हैं. ओके, फ्रंट कैम भी काफ़ी अच्छा है. मैं आईफोन से ही वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कैम नहीं है अभी.
आती है। तो यहाँ पे हमें मिलता है इसका वाइड एंगल मोड ड्यूल कैमरा की वजह से। इसका आप चाहें तो इससे वाइड सेल्फी ले सकते हैं, चाहें तो इसके अपनी सिंगल सेल्फी बना सकते हैं। तो इंटरफेस कैमरा का काफ़ी हद तक एप्पल से मिलता है इंटरफेस इसका। तो अब चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और चेक करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ पे मैं इसका लॉक लगाऊंगा, पैटर्न के जरिए इसको सेट करते हैं, एक सिंपल सा पैटर्न सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे अब सेट करते हैं अपनी फिंगर। ओके, तो काफ़ी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, गैस काफ़ी जल्दी हो गया सर। ओके, तो आप करते हैं फोन को अनलॉक। वाओ, वेरी फास्ट, ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? ओके, तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मुझे बहुत पसंद आया यार, काफ़ी फास्ट है एप्पल के मुकाबले। बिकॉज आई एम यूजिंग आईफोन 6 एंड इतना फास्ट उसका तो नहीं है। तो काफी इंप्रेस किया मुझे इसके टच आईडी ने, बेहतरीन। तो ये था यार कंप्लीटली रिव्यू मेरा ओप्पो F3 का 5 months लेटर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।